अब ये चीज नहीं होगी चेयरमैन साहब कि फैसले जो सेनेट या कौमी असेंबली से पास होते हैं लॉ के तहत, उस लॉ को हम बनाते हैं, हम ही इंप्लीमेंट कराएंगे, डिफाइन भी हम करेंगे और समराइज भी आप हम ही करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट इस ऐवान के बाहर हमें दे, हमारी पगड़ी उछलेगी तो हम पगड़ियों की फुटबॉल बना देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ चेयरमैन साहब कि हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम जब एक अपर हाउस के मेंबर हैं, इसमें से चीज़ें पास करते हैं, तो जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो क्या 46 साल तक हमें इंतज़ार करना पड़ा ये पूछने और पता करने के लिए कि उनको फांसी दे दी गई थी? ये तो हमारी पैदाइश से पहले हमें पता थी, तो एहतसाब उसका क्यों नहीं हुआ जिसने फांसी चढ़ाई, जिसने उस कलम का बेरहमी से इस्तेमाल किया? जब आप किसी के निकाह को निकाह नहीं मानेंगे, आप हमारे बेडरूम से लेकर हमारे बाथरूम से लेकर, आप स्टील मिल से लेकर, रिकोडेक से लेकर, नस्ला टावर से लेकर, जब हर चीज में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मैं इन असेंबलियों का क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फिर आप ज्यादा जानते हैं, आप करें हम बैठ जाते हैं, हम नालायक नाहिल हैं, निकम्मे हैं, पीछे हट जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपको ये मनसब अल्लाह ताला ने दिया है, और जिस ग्रेसफुली ग्रेसफुल तरीके से आपने फ़ोन किया और अल्लाह ताला को ये हम्बल साइड पसंद है, तो मैं आपको बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके अपनी मरहूम वालदा, अपने वालिद का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी दुआओं से MQM और पीपल्स पार्टी ने मुझे इंडिपेंडेंट सपोर्ट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रिगार्डलेस मेरा क्रिटिसिज्म भी रहा उनकी तरफ, कभी सही भी था कभी गलत भी था, मैं PTI का भी शुक्रगुजार हूँ कि कराची में जब उनको पता चला कि मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ तो उन्होंने बॉयकॉट अनाउंस किया नहीं लेकिन अनाउंस कर दिया, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन साहब जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा करता हूँ जिन्होंने टेल का जोर लगाया मुझे रोकने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं थी, अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी कि मैं इलेक्ट हो जाऊँ तो मैं हो गया। दो तीन चीज़ें हैं चेयरमैन साहब, मैं आपकी इजाज़त से, क्योंकि पहला इजलास है सेनेट का, मैं उनको तीन हिस्सों में जल्दी से फ्रेज़अप कर दूँ। एक तो ये चेयरमैन साहब के मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा काफ़ी सालों तक रहा और मुझे चेयरमैन साहब ने बहुत कुछ सिखाया सियासत के अंदर, और जिस वक्त मैं, काश वो मेरी बात सुन लेते, जिस वक्त मैं निकाला गया पार्टी से सही बात कहने पे, उस वक्त पार्टी सितारों से बात कर रही थी और चेयरमैन साहब चांद से बातें कर रहे थे, लेकिन मैं निकाला गया ठीक बात करने के ऊपर निकाला गया, और उसके बाद मैंने मॉरली एथिकली जो मुझसे कोई सीट वापस नहीं ले सकता था, मैंने वो सीट भी वापस की तहरीक इंसाफ को। उन लोगों की तरह मैं नहीं रहा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की चेयरमैन साहब के खिलाफ, बानी चेयरमैन के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ, 9 मई के वाक्यों की मजम्मत करके अपनी जान छुड़ाई और फिर भी कुर्सियों पर बैठे रहे और बेनिफिट लेते रहे। मैं उनमें से नहीं था और ना हूँ आज के दिन भी, और उसी प्रिंसिपल पर खड़ा हूँ कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो मैं इंडिपेंडेंटली वही सब करूं। शिबली फराज साहब हैं मेरे कुलीग हैं, इस पर इधर बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं जिनके साथ बड़े हो गए हम साथ साथ स्ट्रगल करते हुए। शिबली फराज साहब हैं, खड़े रहे अपनी जगह के ऊपर, बड़ी कदर है उनकी और वेल डिजर्व पोजिशन पर आज बैठे हुए हैं, और मुझे खुशी है उनको देख कर कि वो एटलीस्ट वो बेनिफिशरी नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं और शायद चारों तरफ भी आज के दिन को लोग खेल रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि चेयरमैन साहब हमें अब रूल्स ऑफ द बिजनेस सेट करने पड़ेंगे सेनेट के। चेयरमैन साहब यहां बहुत तमाशा हो गया है, ये अपर हाउस है, लेजिस्लेशन का अपर हाउस है, और जब पेटी बंद भाई अपने साथ खड़े होते हैं, गाउन पहनने वाले साथ खड़े होते हैं, तो सेनेट के भी भाई पेटी बंद भाई अब साथ ही खड़े होंगे और हम दिफा करेंगे अपने मुखालिफ काफ़ी सियासी, और ये वो सब कुछ नहीं होने देंगे जो आज तक इस ऐवान में होता रहा। प्रोडक्शन ऑर्डर की डिमांड की है उन्होंने चेयरमैन साहब, मेरी भी गुजारिश होगी ज़रूर दें, सेनेट के मेम्बर्स हैं उनको बुला लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब ये चीज़ नहीं होगी चेयरमैन साहब कि फैसले जो सेनेट या कौमी असम्बली से पास होते हैं लॉ के तहत, उस लॉ को हम बनाते हैं, हम ही इंप्लीमेंट कराएंगे, डिफाइन भी हम करेंगे और समराइज भी आप हम ही करेंगे।
ये नहीं हो सकता कि कोई सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट इस ऐवान के बाहर हमें दे, हमारी पगड़ी उछलेगी तो हम पगड़ियों के फुटबॉल बना देंगे। यहाँ मैं, तलाल चौधरी साहब और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया है लाकानूनीत की वजह से, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ते हुए हमने देखा है। हमारा कसूर यह था कि हम वोकल थे, हमने समेत मेरे, मैंने उन लोगों को भी टेक ऑन किया जिन लोगों का आज भी लोग नाम लेते हुए कांपते हैं जब वो कुर्सियों पे थे। 94% हमारा एक इदारा है, इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूशन है जिसको जिसमें ईमानदारी या डिसिप्लिन नज़र आता है, वो शायद कुछ इंडिविजुअल्स की वजह से 5-6% कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन 90% पे तो खड़ा है। तो अगर वो बॉर्डर पे हमारा दिफा कर रहे हैं, सचिन पे खड़े हैं, तो फिर ह्यूमिलेट हम उनको क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक आपने, मैंने अपने कॉलिग्स की बातें सुनी, अपने दोस्तों की दुख भरी दास्तानें भी सुनी, वालदा सबकी जो हैं हयात और जो नहीं हैं हयात वो सब मोहतरम हैं, पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स सारे। लेकिन मुझे उस वक्त बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने सुना कि मेरे कोलीग की वालदा को प्रॉब्लम हुई और वो सफरिंग में था या हाइडिंग्स में था। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि है बहुत अच्छा आदमी, मैं बात याद दिलाना चाहता हूँ कि सर मेरी वालदा डेथ बेड पे थी जब इसी आइन और कानून के ठेकेदारों ने मुझे पनिश करके ज़बरदस्ती बुलाया गया, मेरी पगड़ी उछाली गई, मुझे बग़ैर ट्रायल दिए बग़ैर गैलरी को सुनाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए 8 वीलॉग्स के अगेंस्ट फैसले सुनाए गए। मैं चेयरमैन साहब कानून इंतसाब करूँगा, जो मनसब पे बैठे थे कानूनी चारा जोई भी करूँगा, और मैं जब चारा जोई करने जाऊँगा चेयरमैन साहब लीगली, तो मैं बहुत ज़िद्दी आदमी हूँ, आप भी मुझे जानते हैं, मैं 10 रुपए के पीछे 10,000 खर्च करने वाला आदमी हूँ, 10 रुपए के पीछे 1,00,000 खर्च करना जब प्रिंसिपल्स की बात आ जाए। तो जब मैं वो एहतसाब की बात शुरू करूँगा तो देखें चेयरमैन साहब, यहाँ बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बहुत बड़े बड़े सियासी वर्कर्स हैं, मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन इस ऐवान में, इस ऐवान के बाहर अल्लाह की मेहरबानी है कि जो लोग जरदारी साहब हों या काकड़ साहब हों या बुकटी साहब हों या मक्सी साहब हों या मैंगल साहब हों या जहरी साहब हों या पगाड़ा साहब हों या गिलानी साहब हों, कलात साहब हों, ये सब मेरे या घर के लोग हैं या मेरे दोस्त हैं या इनके सामने बड़ा हुआ हूँ। तो जब हम एहतसाब का अमल शुरू करेंगे कानूनी, तो हम फिर इलाके गैर तक भी हमारी बातें जाती हैं, हमारे सारे दोस्त हैं, हम बड़े हुए हैं, हम कारोबारियों के साथ भी बड़े हुए हैं, हम बैंकर्स के साथ भी बड़े हुए हैं। इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं चेयरमैन साहब, तो ये पीडीएम की हुकूमत के दौरान जब वो एक इशू के ऊपर फंस गई, फेल हो गई, हमने अपनी जाती कैपेसिटी में पैसे भी अपनी जेब से देकर पाकिस्तान की बका के लिए वो काम किया, उसका क्रेडिट भी नहीं लिया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है चेयरमैन साहब कि आप हमारी पगड़ियां उछाली जाएं, हमें शर्मिंदा किया जाए, हमारे ही बनाए हुए कानून को अपने ऊपर इंप्लीमेंट ना किए बगैर हम पे इंप्लीमेंट कर दिया जाए और सफरिंग्स हो। हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा आप सारे सैनेटर्स को, पाकिस्तान के लिए भी, अपने इख्तलाफात दूर करने के लिए। अगर पीटीआई के किसी सैनेटर के ऊपर बात आती है या एमकेएम के किसी सैनेटर के ऊपर बात आती है या फॉर दैट मैटर नून लीग के सैनेटर के ऊपर कोई बात आती है या पीपल्स पार्टी के सैनेटर के ऊपर बात आती है, तो हमें उस वक्त ये नहीं सोचना कि ये तो उनकी बारी है, हमारी नहीं है, हम साथ खड़े होंगे। और जो कानून के अंदर गेम खेली जा रही है, मैं पूछना चाहता हूँ चेयरमैन साहब कि हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम जब एक अपर हाउस के मेंबर हैं, इसमें से चीज़ें पास करते हैं, तो जब भुट्टो साहब